हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो अभी मैं ब्लॉग लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी टाइम हो रहा है 2:45 और मैंने सोचा यहाँ पे हो तो यार चलो जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। ये भाई है, इस भाई की जिम में देख सकते हो इस बंदे को। तो अभी हम जा रहे हैं जिम करने, वो भी देख लो टाइमिंग कितने बजे जा रहे हैं हम, 2:45 बजे, ना सुबह ना शाम, बीच में जाते हैं हम, ऐसे लोग हैं। तो अभी चलते हैं जिम, फिर देखते हैं वहाँ पे कैसे कैसे जिम में, बाकी वर्सोवा विलेज में जिम है, सस्ती जिम है, 2,000 रुपये में 3 महीना, बहुत सस्ता है यार, 2,000 में 3 महीना, और पर महीने का 800-900 ऐसा ही है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई पूरे 3 महीने का ही ले लो, लेना है तो सबसे इजी वही रहता है। तो अभी जिम चलते हैं, मिलते हूँ मैं आपको तो जिम में। अब निकल चुके हैं जिम की ओर, हमारे कदम बढ़ चुके हैं, अब जा रहे हैं जिम। मतलब यहाँ से ना ज़्यादा, मतलब यहाँ से ना जिम ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 10 मिनट का रास्ता है वहाँ पे। ठीक हाँ, तो गाइस हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ वर्सोवा में बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, मतलब काफ़ी कंजस्टेड एरिया है। ये देखो कितनी पतली पतली गलियाँ हैं, लोग यहीं पे ही रहते हैं। मतलब आप जाओगे ना तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतली पतली है। अभी देखो ये जो आगे है ना, आगे यहाँ पे आइस फैक्ट्री है, मतलब पीछे समुद्र है ना, तो उधर मच्छी वगैरह लोग पाल, मच्छी वगैरह फिशिंग ये सब करते हैं। तो ये देखो ये है ना, ये आइस फैक्ट्री है, यहाँ से बर्फ़ें तोड़ तोड़ के वहाँ पे लेके जा देते हैं और फिर उनको मछली के ऊपर डाल के उनको दूसरे स्टेट में भेजा जाता है। तो भाई हम पहुँच गए हैं जिम, हमारी जिम ऐसी है कि जिम के ऊपर नाम ही नहीं है, बॉडी नहीं है। ये देख रहे हो ये बिल्डिंग, ये वाली है कि, और इसमें जिम का नाम ही नहीं है। तो मैं उधर जाके ब्लॉगिंग तो नहीं कर पाऊँगा अच्छे से, लेकिन आपको अंदर से जिम दिखा दूँगा कैसी है ये जिम है। ये जिम है यहाँ पे, मतलब 2,000 में 3 महीना अच्छा है करने का। ये बंदा केले लेने भूल गया, तो यहाँ से केले ले रहा अभी जिम के लिए। ये देख रहे हो, तो भाई हम जिम के अंदर घुस चुके हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जूते वूते हमने खोल लिए हैं, ये भाई जिम के बारे में बता रहा है उधर। तो अभी हम थोड़े अपने वो एंट्री कर लेते हैं और अभी हम निकालेंगे, एंट्री कर ली हमने। तो भाई अब हम निकालेंगे अपने बैग से अपने इक्विपमेंट, अपने हथियार, जिम वाले। पहला दिन है अभी, देख सकते हो भाई 2 साल करके रखी है जिम, फिर भी इसका पेट निकला है अंकल के। अरे उन्हें पता है भाई मेरा क्या था पहले, उन्होंने देख चुके हैं मेरे को, बंदा अपनी तैयारी कर रहा है पूरी है। गाने की आवाज़ सुन सकते हो, देखो फीस दे दो, टाइमिंग देख लो, फीस दे दो, शेड्यूल 2,000 रुपये देखो, 1 मंथ की 900, 3 मंथ की 2,200, 6 मंथ की 3,800 और साल की 7,000। मतलब सबसे सस्ती जिम तो भाई मेरे को मुंबई में यही लगी, वर्सोवा में ही विलेज में, वर्सोवा विलेज अच्छी है। 6:30 से 12, रात के 12 बजे तक खुली रहती है, 12 AM, देख रहे हो। तो मतलब यहाँ पे जब भी आओ तो कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं अंदर जिम, दिखाता हूँ उनसे कैसे चलो। बात बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तब तक बाय बाय। जिम ख़त्म करके आ चुके हैं, अभी जिम हो गई है लगभग, टाइम कितना हो रहा होगा, 4:30 हो रहे हैं। तो हम 3 बजे पहुँचे थे, 4:30 बजे जिम ख़त्म हुई, तो मतलब वही है हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1.5 घंटा जो लगता है। तो अभी हम घर जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ डाइट के लिए कुछ लूँगा, खाऊँगा, फिर आपसे बात करूँगा जाके। सबसे पहले नहाऊँगा भाई, दोपहर में करके ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है, तो मैं सबसे पहले जाके नहाऊँगा, मिलते हैं घर पे। तो भाई अभी घर आ चुका हूँ मैं, देख सकते हो हालत क्या हो रखी है, पूरे मतलब पसीने पसीने हो गया। अब सीधा जाऊँगा, नहाऊँगा और कुछ बनाऊँगा खाने के लिए, यार भूख बहुत लग रही है जिम करने के बाद सच्चे में। मैं दोपहर में ना वही है ना भाई, करना थोड़ा धूप में। चलो अब मैं जाता हूँ नहाने, फिर कुछ खाऊँगा, फिर आगे देखते कि क्या करना है। रात के 9:30 बज रहे हैं और हमारे मतलब हमारे अंधदेवता आ चुके हैं, वो अभी कुछ खाना बनाएंगे और हमको खाने को मिलेगा। हमारे अंधदेवता से आपको मिलवाते हैं, ये है हमारे अंधदेवता दीपक भाई।
ये रे। और दीपक भाई, मतलब आज क्या बनाने वाले, मतलब क्या खिलाओगे हमको? वही समझ में नहीं आ रहा भाई क्या बनाया आज। अरे हम तो तुम्हारे भरोसे बैठे थे, तुम आओगे कुछ बनाओगे, हमें खाने को मिलेगा। क्या तो फिर खिचड़ी बनाते हैं भाई, क्योंकि सब खाएंगे तो फिर वही बनेगा। खिचड़ी? हाँ दाल है अपने, दाल आएगी है? दाल है, प्याज है, बाकी सब बिखरा पड़ा है। देख रहे दोस्तों, दाल है, प्याज है, बाकी सब बिखरा पड़ा है। अभी बनाएंगे हम खिचड़ी, तो देखते हैं खिचड़ी बनाते हैं, खाते हैं कैसी बनती है खिचड़ी। बाकी भाई मेरे को खाना बनाने तो सच्ची बताऊं आता है नहीं, तो अभी हम ट्राई करेंगे, देख देख के सीख जाएंगे। बाकी हमारे दीपक भाई लगे पड़े हैं, अभी बनाएंगे। ये क्या तुम गूगल में से देख रहे हो क्या, हाउ टू मेक खिचड़ी यूट्यूब पे देख के बनाएंगे खिचड़ी भाई, देख यूट्यूब लेना पे? गलत सही है भाई, बन गई तू मैं। गलत बन गई? अरे गलत कैसे बन जाएगी तुम्हारे रहते हुए भाई। ये देख रहे हो रूम, देखो यार तुम हमारा, मतलब कहाँ पे कुछ भी लटकता रहता है, देख रहे हो? मैं इसी बहाने तो मैं अपना पीजी दिखा देता हूँ। ये एक रूम है, इसमें वो बंदा नहीं, मेरा दोस्त जो फोन वाली वीडियो में था वो, और दीपक भाई रहते जो दिखाया, और इधर मैं, मुझे तो आप जानते ही हो, मैं और ये भाई रहते हैं हमारे। तो भाई अभी हम खाना बनाएंगे, फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद कि भाई कैसा बना है। तब तक आप भी खा लो, आपने तो खा ही लिया हो यार, 9:30 बज रहा है अभी तो, हमारा चालू है, वरना बर्तन धोते धोते 12 बज जाते हैं यहाँ। देखते हैं अभी। तो दोस्तों अब हम आपको सिखाते हैं हाउ टू मेक खिचड़ी। खिचड़ी ये नहीं, अरे प्लान चेंज हो गया। प्लान चेंज कर दिया? हाँ अब क्या बना रहे हो फिर? अब बनेगी टमाटर प्याज की चटनी हरी मिर्च के साथ, और सादे चावल बनेंगे, प्लस 2 अंडे आएंगे बाहर से जिनको उबाला जाएगा बस। अच्छा, मतलब अंडे भी आएंगे आज? अंडे 2 ही आएंगे रे, नहीं खाऊंगा खाली। अच्छा, अंडे 2 आएंगे और वो आप ही खाओगे? हाँ देख रहे हो भाई कैसी नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। 2 अंडे आएंगे, वो भी एक आएंगे, लेकिन अपने को क्या है, अभी थोड़ा कार्तिक चल रहा है तो मैं तो वैसे ही नहीं खाता हूँ अंडे, बाकी भाई खाएंगे अपना। तो ने खाना खा लिया भाई, मैंने तो खाना खा लिया, अब आ रही है मेरे को नींद। मेरी मतलब पूरी आंखें ना भाई बहुत ज़्यादा भारी हो गई है अब मैं, लेकिन यार सो नहीं सकता ना अभी, क्या थोड़ी पहली वीडियो, उसको पिछले की वीडियो भी एडिट करनी है, तो उसको एडिटिंग करूँगा, फिर उसके बाद सो जाऊँगा, फिर उठेंगे कल। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ, और यार प्लीज़ इतनी अच्छी बनाता हूँ तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर मत करना भूलना यार, शेयर ज़रूर कर देना। बाकी आप सभी का थैंक यू, बाय।